आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जोधा की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप जोधा के फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनका रियल नेम है परिधि शर्मा, उनका निकनेम है परी। 15 मार्च 1987 में उनका जन्म हुआ था। उनका जोडियाक साइन है पिसेस। साल 2020 में उनका रियल एज है 33। उन्होंने एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इसके बाद उन्होंने प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पुणे से अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट की है। उनकी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक एक्ट्रेस है। एमबीए कंप्लीट करने के बाद परिधि जॉब कर रही थी और तभी उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए। साल 2010 की सीरियल तेरे मेरे सपने से ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू दिया था। इसके बाद वो रुक जाना नहीं सीरियल में नजर आई थी। आपको बता दें कि एकता कपूर ने 8 महीने तक 7000 के ऊपर ऑडिशन ले चुकी थी। उसके बाद ही उन्होंने परिधि को जोधा के किरदार के लिए चुना था। बहुत ही कम वक्त में जोधा के किरदार की वजह से परिधि बहुत ही फेमस हो गई थी और दर्शकों का फेवरेट बन गई थी। इसके बाद वो कोड रेड ये कहां आ गए हम जैसे सीरियलों में काम करती हुई नजर आई थी। साल 2018 में पटियाला वेव सीरियल में परिधि का एक नया लुक देखने को मिला था, जहां पर वो बबीता सिंह का किरदार निभा रही थी। हाल ही में उन्हें जग जननी माँ वैष्णो देवी में देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अब तक परिधि 3 अवार्ड जीत चुकी है। फैमिली की बात करें तो परिधि की पिता का नाम है नरेंद्र शर्मा और उनका माँ का नाम है रश्मि शर्मा। परिधि का 2 भाई और 1 बहन भी है। टीवी जगत में आने से पहले ही परिधि ने अपनी क्लासमेट तन्मय सक्सेना से शादी कर चुकी थी। अभी उन दोनों का एक बेटा भी है। हर एक एपिसोड के लिए परिधि 60,000 रुपए चार्ज लेती है। उनका नेट वर्थ है 10 करोड़। इस वीडियो में आप देख सकती हैं उनके घर की इंटीरियर डिजाइन। परिधि के पास एक हुंडई वर्ना कार है जिसका कीमत है 15 लाख। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं एक कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।